हरियाबाद में विधायक थावर चंद डामोर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरियाबाद का निरीक्षण किया है। जो इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहली बार जीत कर आए विधायक का हरियाबाद के चिकित्सकों एवं स्टाफ द्वारा विधायक का स्वागत व सत्कार किया गया। जहां इस दौरान विधायक ने चिकित्सकों की बैठक लेकर परिचय करते हुए चर्चा की है। विजिट के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विभिन्न विभागों में घूमकर स्थिति का जायजा लिया है। विधायक थावरचंद डामोर ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुछ सुविधाएं हैं और कुछ सुविधाओं का अभाव है, जिनको जल्द पूरा किया जाएगा। धरियाबाद की जनता को इलाज के अभाव में प्रतापगढ़ नहीं जाना पड़ेगा, ऐसी सुविधाएं यहाँ पर मुहैया करवाई जाएंगी। बताया कि स्त्री रोग विशेषज्ञ जितेंद्र बागड़िया के आने से पूर्व धरियाबाद ब्लॉक के प्रतापगढ़ में लगभग 4000 साल भर की डिलीवरी होती है। वहीं अब धरियाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आसानी से 3500 के आसपास डिलीवरी हो जाती है। जहां बताया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ है जो अपना कार्य बखूबी कर रही है। आगे और भी सुविधाएं बढ़ाएंगे। बताया गया कि सैटेलाइट हॉस्पिटल का निर्माण कार्य जल्द से जल्द किया जाएगा, जिससे धरियाबाद एवं आसपास के ग्रामीणों को चिकित्सा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। कई बार इलाज के अभाव में या दूरी होने पर लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। वहीं विधायक थावरचंद डामोर ने सैटेलाइट हॉस्पिटल जो कि निर्माणाधीन है उसका भी निरीक्षण किया है। संबंधित ठेकेदार से जानकारी लेते हुए जल्दी से जल्दी इस निर्माण कार्य को समय पूरा करने के लिए निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान बीएपी ब्लॉक अध्यक्ष शंकरलाल बरगोट, सरपंच प्रतिनिधि अश्विन परमार सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक मौजूद रहे। जहाँ के स्टाफ से मुलाकात भी करनी थी, जहाँ रह रहे पेशेंट से बात करनी थी, तो पूर्व में मैंने जैसे आया जहाँ पर एमरजेंसी रूम होता है, उसके बाद में जहाँ जो देखने के लिए एक हमारे पास सेकेंडरी हॉस्पिटल बन रहा है, जिसमें मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी असुविधा महसूस हो रही है। अलग अलग गैडिंग वार्ड है, शिशु रोग विशेषज्ञ है, और भी जो विभाग है उनको पेशेंट पहचान नहीं पा रहा है कि कौन स्पेशलिस्ट किसका है। तो वो जब बहुत जल्दी वो वन कम्प्लीट हो जाएगा तो उनको सुविधा महसूस होगी। बाकी मैं लिबर्टी रूम के आसपास भी देखा है, मैं उधर वार्ड में भी देखा है, उनके जो डीडी मशीनें लगी हुई एक्सरे रूम है, वो सही सुविधा है और वो सही सुविधाओं का अभाव है। तो धीरे धीरे करके मैं यहाँ पेशेंट को उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। धरियावट की जनता को इस मामले में किसी भी तरह की तकलीफ न आए, और यहाँ से बहुत प्रताप में जाना ऐसी असुविधा नहीं। हमारे जो स्टेटिस्ट हैं महिला विशेषज्ञ रोग विशेषज्ञ, ये अभी बता रहे थे 4000 के आसपास महिलाओं के डिलीवरी वसल वहाँ होती है प्रकार के। हम लोग 3500 के आसपास धरियावर में होते हैं, बहुत बड़ी बात हुई। मुझे स्टाफ से बहुत अच्छा लगता है, और एक ये है कि मैं बजटी भी नहीं करना चाहूँगा, जो काम अच्छा कर रहा है उसको अच्छा ही करेंगे, और आगे लेके चल रहा है तो लेके चलेंगे, और जो बुरा करेगा हम लोग बुरे बने करेंगे। यहाँ के जैसे ईश्वर जी भी आए हुए हैं शिशु रोग विशेषज्ञ, पहले छोटे बच्चों को लेकर हम प्रतापगढ़ आस पास में इधर उधर जाते थे, अब काफ़ी सुविधा है इन बच्चों के लिए। विभाग की तरफ से मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है, बस कुछ सुविधा अगर और हो तो बेहतर हो सकता है। इसके लिए सैटेलाइट हॉस्पिटल है, वो जितना जल्द बनकर तैयार होगा तो यहाँ के विभाग के लिए भी आसानी होगी, और यहाँ लोग जो पेशेंट आ रहा है उसके लिए भी आसानी होगी। जो सैटेलाइट हॉस्पिटल बनकर क्या उसको 100 बेड का है या उसको जिला चिकित्सालय का दर्जा दिया जा सकता है? अभी जा रहा हूँ तो वहाँ देखूंगा, इसे सैटेलाइट हॉस्पिटल है, उप जिला चिकित्सा बनवाने की जरूरत पड़ी तो करेंगे, और इसकी जो भी मांगे हैं इस हॉस्पिटल चिकित्सा संबंधी क्षेत्र के लिए मैं जयपुर विधानसभा में जरूर रुकूंगा, मेल से जुड़ूंगा, और जहाँ जो स्टाफ है मैं कॉपरेट करके साथ में लेके चलूँगा। जो नया अस्पताल बन रहा है उसको उद्घाटन के बाद क्या है नगर के लिए, सिटी के लिए, आसपास ये सिटी डिस्पेंसरी यथावत रहेगी या सारा यहाँ से वहाँ अस्पताल रहेगी? इस भवन को मर्ज नहीं जानेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कोई एक विभाग नहीं रहे, तो महिला का हो या शिक्षा बच्चों का हो या प्राथमिक का हो, कोई एक ऐसा ही रहे ताकि जहाँ एक के लिए सेफ बाकी के बाहर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं।